लगावा तो मक्की भागी। ये देखिए हो गया, ये कल जो लोग लाए थे क्या बोलते थे, जैसे कि ये कल कौन यहाँ कई संगठन कोई संगठन बाजे लाए डाल गए, हमने उनसे यही कहा कि भैया एक अटेंडेंट यहाँ लगा जिनमें एक आदमी, अब वो वहाँ से मैं दो तीन घंटे के बाद लोग चले गए, मैं दो तीन घंटे के बाद जिस गाय इधर देखाइए इस गाय के पास मैं आया जहाँ हम लोग महीनों से खेल रहे हैं, हमारी मदद गोविंद सिंह कर रहे हैं, हमारी बेटी सेवा कर रही है। तो कल जब लोग लेके आए वहाँ पड़ा था पानी लगातार बह रहा है, ये पैर की हालत जरा ध्यान देखिए, कल बाकायदे वो प्लास्टर बांधा गया और एक आदमी न होने के कारण यहाँ पर भाई आदमी है इनके पास, अब ढाई बजे ताला लग गया, देखिए ये ताला ढाई बजे लग जाता है, ढाई बजे पौने तीन बजे के अंदर अंदर ताला लग जाता है। भाई इनका भी कहना है कि हम साहब आदमी हैं, हम 20 घंटे और 40 घंटे हम थोड़े ड्यूटी कर पाएंगे, मात्र दो लोग यहाँ बेचारे काम कर रहे हैं, दो महिलाएँ बैठी हैं, अरे उनको अगल बगल कहीं भेज करके दो पुरुष रखे जाएँ, एक अटेंडेंट यहाँ हो। तो ये जो संगठन वाले आए, देखिए उनके कारगुजारी, यही मेरा कहना है कि वो मतलब यही हमारे भुवन सिंह है जो अभी हम बैस छतरी के बारे में कुछ लिख रहे थे फेसबुक पर, अचानक निगाह पड़ गई, फिर अभी तरबूज गदला मंडी से खरीद कर लाए, वहाँ से इतनी सेवा कर रहे हैं, तो ये राम के वंशज हैं, अब ये घोर कदकाल है, एक है मिलेंगे आपको कहीं करोड़ों में एक मिलेगा, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, जिसको पर हम गर्व कर सकते हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ। और ये हाल देख रहे हैं, यह जरे यहाँ करीब से देखो, कल इसमें ये देखिए पट्टी बंधी है बाकायदे, वो बांधा गया क्या वो पटरी यानी वो एक तो आगे तो बांधा गया। कल शाम को हमने जब देखा चीटे लग रहे थे, नहीं देखा गया, मैं कहा लाओ कर दो, लोगों के दिमाग में एक रायबली में बात घुस गई है कि श्याम साधु नाम है, तो लोगों की मानसिकता बन गई है कि श्याम साधु नाम का एक पागल और उसकी बेटी और एक भुवन सिंह, ये तीन पागल है, और वो भ्रमण कर रही थी जो कैमरा लेकर बना रहा है, तो जो रोज आता है अपनी माँ के साथ, ये तीन चार पागल हैं लोग, यानी मुस्कुरा रहे हैं देख रहे हैं, हम धिक्कार रहे हैं उनको, मेरा मतलब है कि संगठन वालों लाओ पूरी जिम्मेदारी से लाओ, जो डाक चले गए बताओगे मैंने इसको बादाम रोगन खिलाया, ये बादाम रोगन दे गया, इसको बादाम रोगन की ज़रूरत नहीं है, इसको पहले पानी की ज़रूरत है, इसको ग्लूकोज की ज़रूरत, लेकिन सबसे बड़ी सेवा देख रहे हैं वो कल फ्रैक्चर बांधा गया, ये टूट करके हड्डी बाहर, इतनी दयनीय दशा है, पानी बह रहा है गीला वाला लगातार, अब पानी अंदर टंकी से बह रहा है, जरा पानी दिखाओ, बस करीब से बहुत स्प्रे है क्या, वो कहाँ पानी अंदर से निकल रहा है बाबा, स्प्रे लाए हो गया स्प्रे, इसको खकीज के साथ सूचन करा दिया, अभी भुवन आ जाए तो करा दिया, इस तरह थोड़े सेवा की जाती है। देखिए मुख्यमंत्री महोदय कल हमसे कह रहे डीएम के पास चलो वहाँ चलो, हम समझिए उनको, डीएम के पास हम ऐसे जाएंगे पहले हम खुद करें और इतना काम करते हैं कि सरकार को मजबूर हो के हमारी मदद करनी पड़े, और क्या बात क्या बात क्या बात, देखा पानी से निकाला बात बस जीव इसका कब के बाहर हो, सबसे बड़ी बात तो इसका, अरे वही सागा होगा बांध जब वही मेरे को सही कटा जीव कटा जीव कटा, ये पैर टूटा ये पैर टूटा, देखो थोड़ा सा डाल के देखो चाहे मुँह में चला जाए, देखो आंखें खोलो, यहाँ अस्पताल में डाल के जाने वालों, अरे तुमको भी मरना है, वो कहाँ जन्म लोगे ये सोचो पहले, क-
कानून से यहाँ काम नहीं होता। जा रहे हैं जाओ, यहाँ कानून से नहीं काम होता है। पांच सात लोग आए, आकर के हमने उस गाय को चरपैया में लदवाने के लिए कहा, हमारी बड़ी भाषा भाषी हो गई। अरे हमने कहा चलो हटो, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं एक कम अस्सी का हो गया यही करते करते, हमको तुम्हारे संगठन की जरूरत नहीं है, तो हमारी मदद करोगे आप। लेकिन सोचो जाए क्या कर रहे हो। एक साहब बोले क्या यहाँ आपका काम आसान कर रहे हैं। हम कहा अच्छा वही हमने ठेका लिया है क्या इसका है, मेरा काम आसान कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से पैसा ला रहे हैं क्या। अरे तो अभी हाल में अमेरिका वालों ने हमको दो चार भेज दिया बस। इस जिंदगी में 78 साल की उम्र में अमेरिका से पैसा आया हमारे, 78 साल तक मैंने कैसे किया है। ये जब से बेचारे मिले हैं कर रहे हैं। देखिए हनुमान जी भी आ गए, ये लीजिए ये है, चल रहे हैं मत दे रहे हैं आपको भी दे रहे हैं। रोज बंदर भोज करने जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हाँ 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 दे रहे भैया आ गए। ए रुको रुको दे दे रुको। चाकू रख दे नहीं चाकू देख के चेहरे कर दे। अरे अरे सामने से हटिए। ठीक हो जाए तो और तो सब हो जाए ना थोड़ा बहुत, शायद इनका पैर देखो ठीक होते कि नहीं है। इनका ये पैर तो ये नहीं हो रहा है, ये तो हो ही नहीं पा रहा है। आओ 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 दे रहे, रुक जाओ पीछे क्या बिल्डिंग के उधर से निकलेगा, उधर से खाने के लिए क्योंकि जामुन वगैरह फट रहे हैं, बहुत गंदा फिर जामुन रोज हम लोग दिन में 3 बार आते हैं तब ये सस्ता आप देख रहे हैं। अच्छा ये इंजेक्शन से खाओ से थोड़ा है ना, क्यों जो खाओ गल रहा था वो इंजेक्शन से सूख रहा है, आज फिर इंजेक्शन लग जाते हैं। हमारा मतलब है कि आप कोई काम करें बहुत अच्छा काम है जानवर को, लेकिन बाबा उसके पीछे लगो, लग के करो। ये थोड़ी गलत अस्पताल अगर सुनिए ठाकुर साहब, अगर ये सड़क पर खड़ा होता सड़क पर तो वहाँ पर लोग देखेंगे कुछ करेंगे, और यहाँ तो आड़ में पड़ी है। अस्पताल वाले आए इंजेक्शन पट्टी बांधा सुई खोसा सादा लगाया चले गए, उनको भी भाई भाई सवाल है वो 20 घंटे थे ज़्यादा ड्यूटी थोड़े करेंगे। हाँ कहीं मंदिर के बाहर लोग डाल दें, लेकिन नहीं अस्पताल आएंगे तो यहाँ सब दिखाओ बड़ी होगी ना कि हमने ये काम किया। ऐसा करके यारो अपनी बदनामी मत करो, समझ गए। अब तुमको तो गर्व करना चाहिए अगर हिंदू हो तो, आज से हम साधु पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है पूरी दुनिया को, आप किसी जात किसी धर्म के हों आइए हमारे सामने। बोलती बंद कर देंगे 1.5-2 मिनट के अंदर, वो काम किया या राम का देश है। राम का देव आज भी एक कोई ना कोई एक तपस्या करने वाला ब्राह्मण है, आज भी बेस्ट क्षत्रिय है ये। अभी हम इनके बारे में ही लिख रहे थे फेसबुक पर, कोई बड़े बाबू विचित्र सिंह क्या है कुछ अच्छे था, बैस ठाकुर के बारे में पूरा इतिहास पढ़ा उनका बड़ा हमको जान के। तभी हमने भुवन जी से पूछा क्या बैस कहीं ना देखा। तो
यही रोज की हमारी दिनचर्या है, हमारा कहना है। तो आप कोई संगठन वाले हो जो करें वो पूरा काम करें, अधूरा मत कीजिए। आप मंदिर में डाल दिया करो वहीं। अच्छा अस्पताल वाले में हम ये डॉक्टर साहब यहाँ अस्पताल में एक चीज़ हमें बड़ी पसंद आई है, क्या आप कह दीजिए तुरंत अपने आदमी को भेज देते हैं, जबकि यहाँ काम बहुत है उनके पास, फिर भी चले जाते हैं। जितने गधे का मैंने इलाज किया वो घर पर हमने किया, घोड़े का इलाज थोड़े दिन यहाँ किया, बाकी अपने घर पर, गाय का घर पर, सब इन यही आदमी जाते हैं, हमारी मदद करते हैं। और हमको भी इनकी पशु अस्पताल वालों की परेशानी को समझना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए यहाँ स्टाफ बढ़ाया। यहाँ दो महिलाएं जो हैं या तो उनकी सेवा में लगाई होगी। एम्बुलेंस देखो किस तरह पड़ी है, एक गाड़ी दो गाड़ी तीन गाड़ी एम्बुलेंस आज 10 साल से खड़ी है। ये कांग्रेस पपा और बसपा की मेहरबानी से गाड़ी खड़ी है, हमने पता लगाया, पता लगा 10 साल से खड़ी है। जितने बसपा और सपा और कांग्रेस हमेशा गुजर के नहीं गुजर के, इसके लिए योगी जी जांच करवाइए, इसके लिए टीवी कटी ये सरकारी थे, आज वो लोग भटकल के बात कर रहे हैं, मोदी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, योगी के ऊपर है। इसका प्रचार करवाइए, टीवी वाले जो बहुत बम्बू लेके घूमते हैं, जगाओ टीवी। 12 साल से गाड़ी खड़ी है, हमने क्या हो रहा है, खड़ी है गल रही, इसकी जांच करवाओ। स्प्रे स्प्रे हम लोग लेते हैं, हाँ हाँ। स्प्रे ज्यादा अच्छा है। अच्छा ठीक है, इसमें ज्यादा है मुझे लगता है। अच्छा इसमें ज्यादा, अच्छा अरे भैया वो ये नीम का तेल लाई भी नहीं, इसमें तो अदरक आए भाई। अरे हम लोग गाड़ी में रखा है वो वाले डिब्बे में, ML कितना है इसमें, तो 100 ML है रखी डिब्बा है वो। चलो यहीं मैं रखो, तरबूज है वो इनसे खरीद खरीद ला रहे हैं, पूरा दवा फ्रेंड ये वो, मना भी इनको करते हैं फिर भी ये बेचारी लाते लाते रहते हैं। सर भी देख रहे हैं क्या इसकी हालत, भगवान लेंगे इंजेक्शन से घाव तो उसका सूखा है, और कीड़े और कीड़े कहाँ महीन महीन दिखाई पड़े, यही घाव में। अच्छा अभी लाइट है, नीम के तेल लाइट है जाते, हाँ नहीं हम जा रहे हैं अभी, अब इंजेक्शन भी लगे कुछ ना कुछ लगे, लेकिन ये ईंटे को हटाना पड़ेगा अभी। हाँ अच्छा नीचा हटाओ इसको, बजाय रह जाइए वहाँ के, यहाँ यहाँ पीछे बजाय रखे कोनो खा जाने, वो आगे गर्दन लटका देती है। अच्छा तो हम नीम का तेल जाए थे लपक के ले आई थे, ठीक है जय श्री राम। नहीं हम भैया हमारे बैटरा वाले में रखी है बोतल, हाँ वो बैटरी वाले देन है ना उनका, आज आज वापस करना।